आज हम बनाएंगे चीज़ी मैक्रोनी या पास्ता। इसे हम बनाएंगे बहुत सारे चीज़ के साथ और बहुत सारी सब्जियों के साथ। से आप बच्चों की बर्थडे पार्टी में बनाइए, टिफ़िन में रखिए। ये बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से बन जाता है। नमस्कार, मी एंड माई किचन बाई नंदिनी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले हम मैक्रोनीज को बॉयल कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पानी गर्म करने रख दिया था। पानी गर्म होने के बाद मैंने इसमें मैक्रोनी को डाल दिया और साथ ही में डाल देते हैं एक चम्मच तेल और आधी चम्मच नमक। मैक्रोनी या पास्ता को उबाल लेते हैं। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो मैश्ड हो जाएगा, शेप बिगड़ जाएगा इनका। पास्ता उबल चुका है, अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से चम्मच से काटने पर कट जाना चाहिए। पास्ता हमारा पक चुका है, अब हम इसे एक छन्नी में छान लेते हैं और तुरंत ही हम इसमें डाल देंगे ठंडा पानी ताकि इसके पकने की प्रोसेस बंद हो जाए। इस तरह से आप ठंडा पानी इसमें डाल दें। मैक्रोनी हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम बना लेते हैं इसका मसाला। इसके लिए मैं पहले टमाटर को पीस लेती हूँ। टमाटर भी हमारा पिस चुका है, अब हम बनाएंगे पास्ता। तो मैं एक कढ़ाई में तेल ले लेती हूँ, 3 से 4 बड़े चम्मच तेल ले लेंगे और साथ ही में डाल देंगे जीरा। जीरा क्रैकल होने के बाद इसमें हम डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अदरक लहसुन के भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे बड़े टुकड़ों में कटी प्याज है। इसे हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा फ्राई करना है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई गाजर और शिमला मिर्च, इसे भी हल्का फ्राई करना है। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। आप इसमें कुछ और भी सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे कि मटर डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं। मैं यहाँ बच्चों के लिए बना रही हूँ तो ज़्यादा मिर्च का यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो हरी मिर्च डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ डाल देती हूँ कुछ मसाले। तो मैं यहाँ थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और एक चम्मच डाल रही हूँ धनिया पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट जो हमने पीस कर रखा था। टमाटर के पेस्ट को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक आप ध्यान से डालें क्योंकि अभी हम सोया सॉस भी डालेंगे, उसमें भी नमक रहता है, तो आप स्वाद के अनुसार डालें नमक। एक पैकेट मैंने यहाँ लिया है मैगी मसाला, इसे भी हम मसाले में डाल देंगे। इससे पास्ता का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच सोया सॉस, बड़े चम्मच में डालेंगे, और 2 बड़े चम्मच हम डालेंगे इसमें टमाटर सॉस। किसी भी मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और अब हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे मैक्रोनीज या पास्ता। देखिए कितनी अच्छी तरह से एक एक अलग अलग दिख रही है मैक्रोनी। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो पास्ता या मैक्रोनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में ले लेंगे और इसमें हम चीज़ को ग्रेट कर लेंगे। मैंने यहाँ अमूल की चीज़ ली है, क्यूब में आती है ये। आप जितना ज़्यादा चाहें इसे ग्रेट कर दें। मैंने यहाँ माइक्रोवेव में थोड़ा देर इसे रखा है ताकि चीज़ हमारी बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। हमारा पास्ता यहाँ ठंडा हो गया था, इसलिए मैंने चीज़ को ग्रेट करके माइक्रोवेव में रखा है। आप गरम गरम पास्ता में ही चीज़ को ग्रेट करें, बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ हमारा